हेलो साथियों, मेरा दोस्तों, दादा चौधरी का तरफ से यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जो इंग्लैंड बैसल में मेरा जो साथी, मेरा जो दोस्त, वन ऑफ 1917 एक्ट का तहत सर्विस करता है इंजन साइड में या डेक साइड में, जो इंजन साइड में सर्विस करता है उनका लिए मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों ने जरूर अच्छा कुछ सोचा होगा ये एग्जाम देने का लिए। मैं भी चाहता है आप लोग एग्जाम में जाइए, आप लाखों लाखों में पास हुई, पास होने के बाद अपना पास जो इंडिया में, अपना जो मुंबई में जो मास्टर ड्राइवर इंजीनियर का जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज निकल जाए, और जिसका कुछ सुविधा है, जिसका पास कुछ सोर्स है, वो आदमी जा सकता है फॉरेन में, किधर भी काम कर सकता है। तो प्लीज आप लोग एग्जाम पे जाइए, एग्जाम पे जाने का बाद पास होइए, पास होने का बाद आप कौन सा भी सर्विस ज्वाइन कर सकता है। एक उसमें इंडियन वैसेल का अंदर में कस्टम सर्विस आता है, पैसेंजर लॉन्च आता है, कस्टम सर्विस आता है, बाट जाता है, जो जो कुछ हमारा इंग्लैंड एरिया में फ्लाइंग करता है उसमें जो सर्विस करता है, या तो ग्रीजार में सर्विस करता है या तो ड्राइवर में सर्विस करता है। तो वो लोगों का लिए अगर कोई किनारे में जा सकता है, कोई क्लास में जा सकता है, कोई ट्यूशन में जा सकता है, वो जाइए बेशक। और जो नहीं जा सकता, ट्रक से नहीं उठ सकता, जहाज से नहीं उठ सकता, तो वो प्लीज देखिए और कान में लगा के सुनते रहिए यूट्यूब चैनल का। तो प्लीज मेरा तरफ से यही कोशिश है, क्योंकि क्वेश्चन का जो कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, और मैंने प्रयत्न किया जितना क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए मैं कोशिश किया। जितना क्वेश्चन आज तक आया MMB में हो, MMD में हो, कोचिंग बोर्ड में हो, या तो जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ सीफेयरर ट्रस्ट की तरफ से, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर तैयार किया मैंने। और वो आंसर आप लोगों के पास साथ में शेयर करता है। मैं रिटायर इंजीनियर है, मुझे जरूरत नहीं था कुछ करने का लिए, लेकिन साथियों मैं चाहता नहीं चाहता हूं कि हमारा साथियों जिंदा है, मुंबई पोर्ट में हो या जहां जहां पे हो पास हो जाए, क्योंकि मुंबई पोर्ट से मैं रिटायर हुआ, मुंबई पोर्ट से मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, इसलिए कि आप एग्जाम पे जाके आप शर्माने का नहीं, क्योंकि आपको पास अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप खुद शर्मा जाता है, जाना ये क्वेश्चन का मुझे याद नहीं आया कैसे, ऐसा हो जाता है। प्लीज आप कान में लगा के सुनते रहिए, आप YouTube चैनल देखते रहिए, तो आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। तो बात ऐसा है, जो सर्विस भरा नहीं अभी भी सर्विस भर दो, जो लोग सर्विस भरा है अभी भी नाम आया नहीं, नाम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिक्र नहीं, नाम आ जाएगा, आराम से नाम आ जाएगा। तो आप लोग कितने रिक्वेस्ट है कि आप देखते रहिए, अगर कहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आया, पूरा ऑल इंडिया में जितना पोर्ट है सबका ही मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम आया तो वो मुझे पूछ सकता। मेरा नंबर है 9819631432। तो आप सुनते रहिए,
कान में लगा के रखिए, जभी जभी सुनते रहेगा। तो प्लीज आप शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखना, जभी जभी मैं डालते रहेगा तब तब आपको पास आ जाएगा। 27 तारीख को महाराष्ट्र में सर्विस भरने का लास्ट डेट है, तो आप लोगों को अनुरोध है कि आप सर्विस भर दें और लिस्ट में नाम आ जाएगा। और आप यूट्यूब चैनल देखते रहिए मेरा, तो मैं दावे से कहता हूँ आप पास हो जाएगा, दावे से कहता हूँ आप पास हो जाएगा, आप अगर ठीक से मेरा चैनल फॉलो किया तो। जो सर्विस है वो भरने का लिए, कैसे भरने का, कैसा सैंपल है वो पूरा दे दे दिया है, और एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी दे चुका है, सीफेयर ट्रस्ट दे दिया। सीफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करता है, तो ये टाइम में शायद एग्जाम सीफेयर ट्रस्ट लेगा कि MMB लेगा, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड बता नहीं सकता, कि वो लास्ट में फैसला होने वाला है। क्योंकि इसके पहले सीफेरा ट्रस्ट एग्जाम लिया, बहुत अच्छा एग्जाम लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अभी हो सकता है शायद गवर्नमेंट ने एग्जाम लेने का लिए तैयारी किया, इसके लिए शुरू करेगा, तो मैं वो बता नहीं सकता अभी क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इनलैंड वेसल में जो स्तर है, जो टग बोट है, जो हार्बर में प्लाइंग करता है, जो हार्बर टग है, जो बार्ज है, जो पैसेंजर सर्विस है, ये सब में जो काम करता है, इसमें से आप लोग एग्जाम में जा सकते हैं। अगर कोई आना चाहता है, कोई इनलैंड वेसल में काम करना चाहता है, तो वो भी स्वागत है, आइए। आने के बाद आप काम कीजिए, फिर उसको बताओ एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक तलवार में धार नहीं है तब तक काटेगा नहीं। क्वेश्चन आंसर आपको जानना जरूरी है, भले एग्जाम में आप पास हुआ, आपका दूसरे किधर इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में जाके भी आपको वही क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके लिए आप पहले से अगर YouTube चैनल देखते रहेगा, कैसे एग्जाम देने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं आस्ते-आस्ते क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बताते रहूँगा। जो महाराष्ट्र में डिटेल मैं थोड़ा सा बताता हूँ, महाराष्ट्र में टोटल जो कॉस्ट एरिया है, जो कॉस्ट एरिया महाराष्ट्र में कॉस्ट लाइन बोलता है, 720 किलोमीटर है। आप नेट में जाके भी चेक कर सकता है। जो कोस्ट लाइन का जो एरिया है वो 720 किलोमीटर है, और उसमें मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 114 किलोमीटर, थाने में 127 किलोमीटर, रायगढ़ में 122 किलोमीटर, रत्नागिरी में 337 किलोमीटर, और सिंधुदुर्ग में 120 किलोमीटर। यह है टोटल कोस्ट लाइन। तो ये कोस्ट लाइन के अंदर में जो वेसल चलता है वो वेसल इनलैंड वेसल में गिनती किया जाएगा, और उसको अगर उसको सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी है तो वो एग्जाम के लिए सर्विस भर सकता है। उसमें 48 इंटरमीडिएट नॉन मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट नहीं है, छोटा छोटा पोर्ट है, दावल बिवल ऐसे जैसे खाड़ी वैसा ही है, और 35 क्रिक उसमें है, छोटा छोटा नदियाँ उसको उसका अंदर से छोटा छोटा खाड़ी जैसा अंदर गया, वो खाड़ी गया, 35 क्रिक है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट था जो फॉर्म किया था, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 1 अप्रैल 1963 को अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ पोर्ट ऑफिसर 1963 का
वह 1 अप्रैल से इसको पोर्ट ऑफिसर का कंट्रोल में गया, जितना जितना पोर्ट है। मैं तो दाबुल में मैं खुद देखा था, दाबुल खाड़ी में उधर एक पोर्ट का ऑफिस था। तो उसको बाद उसको जो पोर्ट ऑफिसर का हवाले किया 1963 फर्स्ट अप्रैल 1963 को कंट्रोल करने लगा चीफ पोर्ट ऑफिसर, जैसे मार्केट महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड बाद में तैयार हो गया, लेकिन चीफ पोर्ट ऑफिसर था। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर, जो इसको जो पोर्ट एंड हार्बर जो है इसमें कंसर्निंग लाइसेंस, ये लोग सर्वे का लिए कुछ के लिए वो लाइसेंस देता है, क्राफ्ट का लेवी और फी, जो रूल्स रेगुलेशन का फीज ऑफ कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल का भी फीज और लेवी लेता था। और ये जो 5 ग्रुप में ये बांटा गया है, माइनर पोर्ट 48 इंटरमीडिएट माइनर पोर्ट को 5 ग्रुप में बांटा गया है, उसमें वो ट्रैफिक में बांटा गया है। और उसमें पोर्ट ऑफिसर, एक एक पोर्ट ऑफिसर का हाथ में हैंड ओवर किया। 5 ग्रुप में जो बांटा गया है उसमें एक नंबर ग्रुप है बांद्रा ग्रुप ऑफ पोर्ट्स, उसके बाद मोरा ग्रुप ऑफ पोर्ट्स, ऐसा करके जो जैसे बांद्रा ग्रुप ऑफ पोर्ट्स है उसमें धानु, तारापुर, नवापुर, सतपटी, केलवा, माहिम, अरनाला, वाशाई, उट्टन, वारसोवा, मनारी एंड बांद्रा, ऐसा सब बांटा गया है। इसके लिए वो फिर दूसरा पोर्ट ऑफिसर देखेगा नहीं, उसके लिए जो पोर्ट ऑफिसर है वो देखेगा कौन सा बांद्रा पोर्ट का जो पोर्ट ऑफिसर है, बांद्रा ग्रुप पोर्ट का जो पोर्ट ऑफिसर है वो देखते रहेगा इतना एरिया। तो ऐसा करके रत्नागिरी में भी है। तो प्लीज, तो जहाँ जितना पोर्ट का जो भैसेज चलता है आपका, अगर हस्पार में मैच होता है तो आप प्लीज़ वो फॉलो कीजिए, उसके लिए सर्विस भरिए, आप एग्जाम का तैयारी कीजिए, क्वेश्चन डेली देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आप आगे का एग्जाम के लिए आपका पास इजी हो जाएगा। कुछ अब सोचेगा नहीं, आप पास रहेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है, आप पास हो जाएगा। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल देखते रहिए, और कौन सा भी क्वेश्चन का आपका प्रॉब्लम है तो मेरा मुझे फ़ोन कीजिए 9819631432। ओके, खुदा हाफिज़।